इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर दिव्य शांति ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सुस पुणे महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की धर्मनगरी सुस दिव्य शांति स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर में 22 से 30 मार्च 2023 के मध्य श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिश्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में 22 से 30 मार्च 2023 के बीच महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की धर्म नगरी सुस दिव्य शांति स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई। बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्र जननी जविष्यामि ते स्वाहा। भयम् सर्व दोषम् सर्व व्याधिम् सर्व डामरम् सर्व पर मंत्रम् सर्वात्मघातम् सर्वपरघातम् सर्वशूलरोगम् सर्वकुक्षिरोगम् सर्वअक्षिरोगम् सर्वशिरोरोगम् सर्वज्वररोगम् सर्वनरमारिम् सर्वगजमारिम् सर्वाश्वमारिम् सर्वगोमारिम् सर्वमहिषमारिम् सर्व अजमारिम सर्व सस्यमारिम सर्व धान्यमारिम सर्व लतामारिम सर्व गुल्ममारिम सर्व पत्रमारिम सर्व पुष्पमारिम सर्व फलमारिम सर्व राष्ट्रमारिम सर्व क्रूर भयानी सर्व वेताल भयानी सर्व शाकिनी भयानी सर्व डाकिनी भयानी सर्व वेदनियम सर्व मोहनियम सर्वाप्समारिम अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि चलचित्र पूजकानां प्रतिपालकानां यतिन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में प्रभु के समक्ष छत्र स्थापित कर चंवर ढुराए। स्थगिते भानुकर प्रतापम मुक्ता फल प्रकार जाले बिब्रद्धि शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वर त्वम् ओम रिमष्ट प्रातियार मध्ये छत्र तम स्थापयामि उच्चैश्चेतम सूर्य गिरे विमे शांति कौम्बम ओम रिमष्ट प्रातियार मध्ये चब्रतम स्थापयामि। अर्घ ले लें, शांति धारा वाले अपना श्री फल ले लें। चवन ढुराने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही विधान पूजन कर प्रभु को अर्घ एवं मंडप जी पर श्रीफल समर्पित किए गए। ओम रीम सी विश्वादि महावीर अंतत्य दुसंग्रह बुनर पत्र आप तेर गमनर पामिति आओ आओ भीम प्रभु मन प्रभु दित के आ पूजा करने चिंतन में भाव भेजन रा। ओम रीम सिद्ध परमिति समूह अत्र औत्र औत्र समुचित वाननम जय ओम
कहाँ गए चकरी जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वो निश्चित पल को पाकर भाव में अब नहीं उलझो मूल मिटाकर चेता बन जाएगा अनंत ऐसे सिद्ध लोक के करनी गुजरा पूजा करने पूजा अर्चना के उपरांत कमेटी के पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत सम्मान किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत है श्रीमान। अब वो समय था जब परम पूज्य निर्व्यापक मुनीश्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मुखारविंद से अमृत वचनों की वर्षा हुई। गुरुदेव ने प्रसंग के माध्यम से भक्तों को सत्कर्मों का बोध कराया। एक गांव में घर को आग लग गई थी। आग लगने के बाद बहुत से लोग अपने अपने शक्ति अनुसार साधन सामग्री इकट्ठा करके उस आग को बुझा रहे थे। कौन बाल्टी लेकर के, कोई घड़े से पानी डाल करके, कोई फायर ब्रिगेड को बुला रहा था और बहुत सारे उपाय किए जा रहे थे और सैकड़ों लोग उस आग को बुझा रहे थे। उस समय वहाँ पास में एक जो पेड़ था, उस पेड़ पर से एक चिड़िया उड़ती है और तालाब में जा करके वो वहाँ अपने चोंच में पानी पकड़ करके उस आग में लाकर छिड़कती। सुन रहे हैं, आग में लाकर छिड़कती है, फिर जाकर लाती है, फिर छिड़कती है। ऐसा उसका चल रहा था। छोटा सा जीव था, अल्प शक्ति थी। कुछ देर बाद उसको थकावट हो गई तो उस पेड़ में जाकर बैठती है। उस पेड़ पर बैठे बैठे एक बंदर उस चिड़िया की हरकत देख रहा था, उसका प्रयास देख रहा था। जब चिड़िया वहाँ पर जाकर बैठती है तो वो बंदर पूछता है, क्यों चिड़िया बहुत सयानी बनती हो, इतनी सी हो, तुम्हारी ताकत क्या, तुम्हारी औकात क्या, तुम्हारी हैसियत क्या, इतने बड़े बड़े लोग, सैकड़ों लोग मिलकर के आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, आग काबू में नहीं आ रही है, तुम्हारी चोंच में पानी बैठेगा कितना, तुम हो कितनी, तुम्हारी हैसियत है कितनी और तुम्हें क्यों कर रहे हो सब। तब वो चिड़िया विनम्रतापूर्वक कहती है कि बंदर भैया, मुझे पता है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी ताकत क्या है और ये भी मैं जानती हूँ कि मेरे प्रयास के कारण मैं चोंच में भर करके पानी जो डाल रही हूँ उससे आग बुझने वाली नहीं है, ये मुझे पूरा पता है। लेकिन भविष्य काल में जब इस घटना का पंचनामा किया जाएगा, सुन रहे क्या, भविष्य काल में जब इस घटना का पंचनामा किया जाएगा, इतिहास में इस चीज का विषय दर्ज किया जाएगा, इसकी नोंद रखी जाएगी, तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में आने वाला है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। वहीं प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उस गांव जैन समाज दिव्य शांति रत्नात्रेय मंदिर की एक बहुत बड़ी पोजीशन बन गई है। आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, आज इतनी भारी संख्या में विधान में उपस्थित हुए और उसके साथ जो आपने दान दिया है, अभी तक लगभग 250 कलश से ऊपर यहाँ पर दान राशि आप लोगों ने बोली है, सब लोगों ने मिलकर के। ये बहुत बड़ी बात है किसी एक आयोजन में इतनी दान। इससे पता चलता है कि सुस गांव की समाज दानियों में भी सबसे आगे है, दान देने में कोई पीछे नहीं है। और ये सब कुछ हो पाया विशुद्धि और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से। आप सब लोगों ने पूजा की विशुद्धि और निर्यापक श्रवण मुनि श्री विद्या सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला उससे। अब महाराज जी ने एक बात क्लियर कर दी, हम सबको पाषाण के मंदिर का महत्व भी बतलाया है।
इसलिए जिसके मन में भी जो विकल्प हो अब सारे विकल्प त्यागें, क्योंकि गुरु आज्ञा और गुरु आशीर्वाद से बड़ी कोई बात किसी की नहीं होती। अगले क्रम में श्रावक श्रेष्ठियों ने श्रद्धा भाव के साथ गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित किए। इसके पश्चात श्रद्धालुओं द्वारा हवन के लिए विधिवत क्रियाओं को कर अर्घ समर्पण किया गया। आरे क्या आरे नी जी। हां ओम रिम अरि परमेश्वरि नमः अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आप बस बैठेंगे वो दर्पण पर। ओम रिम अत्रत क्षेत्रपालाय अत्रत आगचित आगचित स्थापनम जय रिम अत्रत क्षेत्रपालाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा स्थापना। ओम क्रोम रिम पंचकुमाराय नमः अत्रत आगचित आगचित स्वस्थाने स्थापनम जय अर्घ्य विहार काले जगदीश्वराणि पांजलि अर्घ्य ब्रह्म प्रदेशे निद्रां तीर्थंकर कुंड केवली कुंड गंधर कुंड पूजिताय अत्रत आगचित आगचित अर्चनीयम्। ओम रिम तीर्थंकर कुंड केवली कुंड गंधर कुंड पूजिताय नमः अर्घ्यं निरुपामिति। इसी क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य आहुतियां देकर महायज्ञ की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण कर विश्व शांति की भावना भाई। प्रथम मेघलोपरि द्वितीय मेघलोपरि तृतीय मेघलोपरि तृतीय पूजिताय नमः पुष्पांजलि क्षिपेत अर्घ्यं समर्पयामिति स्वाहा। ओम रिम अरम अस्यावसा नमः स्वाहा। बोलिए सभी ओम रिम अरम अस्यावसा नमः। 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 ओम ह्री मरमसी औसा 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 नमः। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रौसी औसा ओ त्रिचक्रे फट विचक्राय षट् चत्वारि विंशति गन्धर्वले मन्त्राय नमः स्वाहा। ओम मांडवी मांडुफलाणं नमः स्वाहा नमः। ओम ह्री मरम दिट्टि विषाणं नमः। ओम ह्री मरम भुगत्तवाणं नमः। ओम ह्री मरणम दित्तवाणं नमः। ओम ह्री मरम तत्तवाणं नमः। ओम ह्री मरम महातवाणं नमः। ओम ह्री मरम घोरतवाणं नमः। ओम रिम अरम घोर गुणानम नमः। ओम रिम अरम जाताय नमः। ओम रिम परम जाताय नमः। ओम रिम अनुपम जाताय नमः। ओम रिम स्वप्रधानाय नमः। ओम रिम अचलाय नमः। ओम रिम अभ्याय नमः। ओम रिम अनि परंपरा से नमः। नीपति नीपति नित्येन से पुष्पाजलि क्षिपेत। ओम रिम परम कामजाय नमः। ओम रिम परम प्रसादाय नमः। ओम रिम परम विज्ञानाय नमः। ओम रिम परम विद्याय नमः। ओम रिम परम विद्याय नमः। ओम रिम परम दर्शनाय नमः। ओम रिम परम सर्वज्ञाय नमः। कार्यक्रम की अगली कड़ी में श्रावक श्रेष्ठियों ने भक्ति भाव के साथ झूमते थिरकते हुए नगर के प्रमुख स्थानों से होकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। Oh,
शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर संगीतबद्ध वातावरण में श्रावक श्रेष्ठियों ने मुनि द्वय पाद प्रक्षालन कर अपना जीवन धन्य किया। बाद सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने मंदिर जी में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर मंगल भावना भाई। भाव का जल हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से धारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़ कर ये जल सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विंद विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय प्रकृत क्षुद्रोग विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूप रौम सधर्म प्रेमी सर्वज्जना सर्वत्रविकाणां देश सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भव वर्धमानस्य रिसचक्रं चरते गच्छे अयसं पायसं लोयनं भूयनं जेवा विवा देवा थमणिवा रणिवा रायगणिवा मोहजीव सत्तानं अपराजुगमे बौधमे स्वकृतु स्वाहा। ओम रेम रमसे आवसा नमा। कार्यक्रम की समापन वेला पर कमेटी पदाधिकारियों एवं विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। विधान मुनि श्री ईश्वर विद्यासागर जी के सानिध्य में और अमित शास्त्री जबलपुर एवं संदेश उपाध्याय के नेतृत्व में सानंद संपन्न हुआ। हम सभी ने बहुत भरपूर लाभ उठाया। सभी को विद्यासागर जी के सानिध्य में एवं संदेश भैया और अमित शास्त्री भैया के सानिध्य में ये सिद्ध चक्र विधान सानंद संपन्न हुआ। हम लोग ये चाहते हैं कि अगले साल तक हम यहाँ पे पंच कल्याण कराएं मुनिश्री के सानिध्य में और भैया जी के सानिध्य में। विधान मैंने आज तक के कभी देखा नहीं, इसलिए बहुत ही बढ़िया और ऐसा ही विधान हमेशा चलते रहे ऐसी शुभकामना में यहाँ समस्त लोग सुजगा परिवार को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जय जिनेन्द्र। यहाँ पे सुस गांव में अभी सिद्धचक विधान हुआ है, निर्यापक मुनि श्री विद्यासागर के सानिध्य में ये प्रोग्राम हुआ है और इसमें हम सब ने बहुत ही भक्ति भाव से आनंदमय भक्ति भाव से पार्टिसिपेट किया है। सबको बहुत ही आनंद आया है, बहुत ही श्रद्धा से सब ने पूजा अर्चना विधान सब किया है और इस सब में इतना अच्छा माहौल हुआ, इतना अच्छा माहौल लगा कि पता ही नहीं चला 8 दिन कब हो गए। और हम चाहते हैं कि हमारी भावना है कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे होते रहें और मुनि श्री का आगमन होता रहे। जय जिनेन्द्र। दर्शकों भी आपने परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रशांत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं पावन सानिध्य में 22 से 30 मार्च 2023 के मध्य आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोहारी दृश्यों को निहारा। बता दें कि यह कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य के पुणे शहर की धर्मनगरी सुस दिव्य शांति स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर में आयोजित हुआ। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन रत्नत्रय मंदिर दिव्य शांति ट्रस्ट कमेटी एवं सकल दिगंबर जैन समाज सुस पुणे महाराष्ट्र।